हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बनाती हूँ दाल पूरी और भाजी की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे चना दाल लिया है और इसे दो पानी से धोकर लिया था और एक घंटे के लिए फूलने के लिए रखा था। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक जार में डाल लेनी है और डालने के बाद और इसके पानी को भी डाल लेना है। अब यहाँ बिना पानी थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, तो मैं थोड़ा सा और डाल रही हूँ। अब यहाँ पर 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर डालना है और नमक स्वाद के अनुसार डाल लेना है। यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर लिया और फिर वही चना दाल और पानी को मैंने यहाँ पे दिया है उबलने के लिए। ढक्कन लगाकर उबलने दीजिएगा, जल्दी उबल जाएंगे। अब यहाँ पे मुझे एक मसाला तैयार कर लेना है। इसके लिए मैंने तेज़पत्ता लिया है, खड़ा धनिया लिया है और अजवाइन लिया है और ज़ीरा और काली मिर्च लिया है और लाल मिर्च सूखी वाली लिया है मैंने 5 से 6। मैं ज़्यादा बना रही हूँ, मुझे यहाँ पे रख देना है आधे मसाले को, इसलिए मैं ज़्यादा बना रही हूँ। इसे यहाँ पे अच्छे से रोस्ट करना है। जब थोड़ी सी आवाज़ें आने लगे पट पट टाइप का, तो भी समझ जाइएगा कि ये हो चुके हैं। उस स्टेज पे आपने उतार लेना है ये मसाले को। बस इसी स्टेज में गैस के फ्लेम को ऑफ़ करना है और मसाले को निकाल लेना है। जब देखिएगा हल्की ठंडी हो गई है, तो फिर इसे एक मिक्सी जार में डाल लेना है और डालने के बाद हल्का दरदरा सा इसे पीस लेना है। तो अब मैंने मसाले को अपने एक जार में रख दिया है, क्योंकि मैंने ज़्यादा बनाया है मसाले को, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम अगर पूरियां बनाऊं तो मुझे मसाला नहीं बनाना पड़े। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे दाल भी हो चुके हैं अच्छे से कुक, जैसा हमें चाहिए था बिल्कुल वैसा ही है। क्योंकि हमें यहाँ पे दाल को ज़्यादा गलाना नहीं था, क्योंकि मुझे दरदरा पेस्ट चाहिए इसकी। तो देखिएगा मैं यहाँ पर हाथों से दिखा रही हूँ कि मुझे कैसा चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके का ही चाहिए, जो हाथों से हल्का सा लगाने से दब जाए। अब दाल को यहाँ पे क्या करना है ना, 10 मिनट के लिए रख देना है ठंडा होने के लिए। जब ठंडा हो जाए तब इसे मिक्सर में डालना है और पीसना है। पीसिएगा ऐसा कि पाउडर फॉर्म में रहे बिल्कुल भी, ये ना हो कि इसमें आप पानी डाल दें। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है और ग्राइंड करना है तो बिल्कुल पाउडर की तरह ही रहना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सारे दाल को अच्छे से पीस लिया है। तो और आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में नहीं है। थोड़ी सी धनिया पत्तियाँ डालनी है यहाँ पे और ये चाट मसाला डाल रही हूँ 1 चम्मच के लगभग। और ये जो मैंने मसाला बना कर रखा था वो मसाला डालूँगी यहाँ पर 2 चम्मच के लगभग। मैंने 1 चम्मच दिखाया बट 2 चम्मच डाली हूँ मैं। और स्वाद के अनुसार मैंने नमक डाल लिया। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है सारे दाल में। और जो यहाँ पे दाल है पूरे मिक्स हो चुके हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बॉल टाइप का बना रही हूँ मैं, 11 साइज़ का। ऐसा चाहे तो आप पूरे दाल को बना कर रख सकते हैं, आसानी होगी बनाने में पूरियाँ। तो यहाँ पे मैंने 1 kg के लगभग मैदा लिया है और मैदे में डालूँगी जो मैंने मसाला बना कर रखा है। 1 चम्मच के लगभग डालना है यहाँ पर और फिर नमक डाल लेना है अपने स्वाद के अनुसार। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, रिफाइंड ऑयल है, यहाँ पे 3 टेबलस्पून के लगभग है। और फिर मैंने पानी डाला। अब इसे अच्छे से गूंद लेना है। अब आटे को ढककर फूलने के लिए रख दीजिएगा आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पर जब तक भाजी तैयार कर लेती हूँ, इसके लिए मैंने आलू लिया था और आलू को स्लाइसेस में काटा है, देख सकते हैं आप लोग, क्यूब्स में काटा है मैंने। आलू को काटने के बाद 2 पानी से धो लीजिएगा और उसके बाद छान लीजिएगा, जैसे मैंने छान लिया है। अब प्रेशर कुकर लेना है और इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है मैंने और यहाँ पे ज़ीरा डाल रही हूँ और राई डालनी है, काली राई डालनी है। और जब चटकने लगे ना, तो यहाँ पर लाल सूखी मिर्च को डाल लेना है तोड़कर, मैंने यहाँ पे 2 डाला है। और फिर यहाँ पे आलू को डाल लेना है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है, चलाते हुए रहना है, ताकि ये थोड़े से आलू लाल हो जाए। नमक डालिएगा स्वाद के अनुसार, ज़ीरा गोल मिर्च पाउडर डालिएगा 1 चम्मच और
लाल मिर्च पाउडर डालना है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालना है, 1 चम्मच धनिया पाउडर 1 चम्मच, और यहाँ काली मिर्चों का पाउडर डाला है मैंने 1 चम्मच। एक मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने काट के रखा था वो डाल लिया। अब इसे थोड़ी देर मिक्स कर ले। यहाँ पर 2 पीस हरी मिर्चें डालनी है, इसे काट के नहीं ऐसे ही डाल देना क्योंकि हमने यहाँ पे पहले से ही काफ़ी झाल डाल के रखा है। 1 ग्लास वाटर डाल लेना है और फिर इसे मिक्स कर ले। मिक्स करने के बाद प्रेशर कुकर लगा दीजिएगा और 2 या 3 प्रेशर कुक करिएगा और फिर बस भाजी बनकर कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको दिखे कि पानी ज़्यादा है तो फिर आप थोड़ी देर इसको ड्राई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि हमारी भाजी बिल्कुल अच्छी तरीके से बनकर रेडी है। अब यहाँ पर डालना है चाट मसाला 1 टेबल स्पून के लगभग। गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी धनिया पत्तियाँ डाल लिया है। भाजी हमारी पूरी कम्प्लीटली रेडी है। अब यहाँ पर हमें जो मैंने आटा सान के रखा था वो देख लेना। देखिए तो बिल्कुल हमें इसी तरीके का चाहिए था। पूरी दाल को मैंने यहाँ पे बॉल बना के रख लिया है। अब यहाँ पे लोई बनाने के लिए बनाना है गोल गोल, लेमन साइज़ का ही बनाइएगा। एक बॉल उठाइएगा और अंदर कवर कर दीजिएगा अच्छे से। बस इसी तरीक़ा से सारे लोई बना लेना है। तो देखिए हमने सारे लोई बना लिया है। अब एक एक लोई को लेना है, थोड़ा सा जो मैंने मैदा रखा था उसमें थोड़ा सा कोट करना है, फिर आराम से बेल लेना है गोल गोल। ज़्यादा बड़ी भी नहीं करनी है, ज़्यादा छोटी भी नहीं, मीडियम साइज़ रखिएगा जैसा मैं कर रही हूँ उसी तरीके का। अब यहाँ पे पूरियों को फ्राई करनी है तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, रिफाइंड ऑयल लेना है और पूरा ऑयल को एकदम अच्छे से जब ऑयल गर्म हो जाए तो पूरियों को डाल लेना है। और डालने के बाद इसे बिल्कुल भी चलाना नहीं है, हिलाना भी नहीं है, ऐसे ही छोड़ देना है, अपने आप वो फूल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा जब एक साइड में पूरा गोल्डन ब्राउन हो जाए, क्योंकि दाल पूरियाँ हैं तो ये थोड़े ज़्यादा लाल होते हैं तो वही अच्छे लगते हैं। बिल्कुल इस तरीके के लाल होना चाहिए पूरियाँ। फर्स्ट वाले जो था वो मैंने उतने अच्छे से लाल नहीं किया था, बट लाल होना चाहिए इस तरीके के, तभी दाल पूरियाँ अच्छे लगते हैं, खास्ता वास्ता लगते हैं, तो ही मज़ा आता है खाने में। तो हमारी गरम गरम भाजी पूरियाँ बनकर रेडी है, चलिए इसे सर्व कर लेती हूँ। एक बार हमारे कहने पर जब आपके घर पर सभी लोगों का छुट्टी होना तो उस दिन ये पूरियाँ आप बनाना और सबको खिलाना, सबको बहुत ही पसंद आने वाला है फ्रेंड्स। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।